नमस्ते एवरीवन, दिस इज सुमन एंड वेलकम टू माय चैनल सुमन स्वास्थ्य योग। आज का जो टॉपिक है वो है स्टैंडिंग आसना, विच कैन हेल्प अस टू इम्प्रूव अवर फ्लेक्सिबिलिटी इवन दो स्ट्रेंथनिंग अवर स्पाइनल एंड स्ट्रेच ऑन योर ईच एंड एवरी बोन। तो मैं आप सभी से ये रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि आप लोगों के कमेंट से ही मुझे पता चलेगा कि मेरी वीडियो आपके लिए कितनी लाभदायक है और मैं नेक्स्ट वीडियो किस तरह से अपलोड करूं कि आपके लिए वो बहुत अच्छी हो, आपके डेली रूटीन की लाइफ के लिए आपको बहुत बेनिफिट दें। सो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें। लेट्स स्टार्ट। ओके, स्टैंड ऑन योर मैट, दोनों पैरों को साथ में मिलाएं, हैंड टच टू योर साइड्स। नाउ इनहेल करते हुए दोनों हाथों को शोल्डर की सिधाई में लाएं, लॉक योर फिंगर्स, पाम आउटसाइड, स्ट्रेच अप कंप्लीटली। अब यहाँ पे अभी क्या करना है, आपको हेड टू टो स्ट्रेच करना है टिल योर फिंगर अपवर्ड मूवमेंट एंड स्लोली स्लोली रेज योर हील एंड योर टोज। नाउ होल्ड दिस पोस्चर, इफ पॉसिबल होल्ड योर ब्रीथ फॉर नेक्स्ट 5 सेकेंड। 5, 4, 3, 2, 1। स्लोली गो डाउन फ्रॉम हियर, मूव टू हस्तोतान आसन, हैंड स्ट्रेच पोस्चर। जस्ट रिमेम्बर कि आपकी बॉडी का जो अलाइनमेंट है शुड बी स्ट्रेट, बॉडी ना ही आगे फॉरवर्ड हो ना ही बैकवर्ड मूवमेंट हो, इट शुड बी इन वन लाइन। एंड होल्ड दिस पोस्चर, हेड बिटवीन बोथ द हैंड्स, होल्ड 5, 4, 3, 2, 1। इनहेल स्लोली स्लोली कम इन सेंटर, एक्सहेल स्विच टू अदर साइड, होल्ड दिस पोस्चर 5, 4, 3, 2, 1। इनहेल सेंटर, एक्सहेल समस्थिति। अब यहीं से हम हाफ व्हील पोस्चर करेंगे, जिसे अर्ध चक्रासन भी कहते हैं। योर बोथ हैंड्स अबव टू योर हिप्स, एल्बो क्लोज टू ईच अदर, चेस्ट आउटसाइड। लंबी गहरी श्वास भरते हुए हम पीछे की तरफ जाएंगे, जितना हो सके एज पर योर कैपेसिटी, एंड होल्ड दिस पोस्चर 5, 4, 3, 2, 1। एक्सहेल करते हुए आप वापस आएंगे एंड relax your hands. We'll repeat this asanas, all three asanas together, one more time. Inhale, raise your hands, lock your finger, palm outside, stretch up completely. Now slowly on your toes and hold this posture for next 10 seconds. If possible, hold your breath. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Exhale, relax your heel. Inhale, center, exhale, bend to right side. Hold this posture. आप सभी एक चीज का ध्यान रखें कि जो अलाइनमेंट है ये एक ही लाइन पे होना चाहिए, ना ही ये आगे की तरफ झुके और ना ही ये पीछे की तरफ आए। नाउ इनहेल करते हुए लंबी गहरी श्वास भरते हुए वापस आएंगे और श्वास छोड़ते हुए आप दूसरी साइड मूव करेंगे एंड होल्ड करेंगे इस पोस्चर को 5, 4, 3, 2, 1। इनहेल करते हुए वापस, एक्सहेल सब। नाउ मूव टू नेक्स्ट वन, वाइड योर फीट 2 फीट अपार्ट फ्रॉम द अदर लेग, राइट फीट राइट साइड। इनहेल रेज योर हैंड, एक्सहेल गो डाउन ऑन त्रिकोण आसन, लुक अप टुवर्ड्स द सीलिंग, 1, 2, 3, 4, 5। नाउ बेंड योर नी फर्स्ट एंड स्लोली कम अप। नाउ स्विच योर साइड, राइट फीट इनसाइड एंड लेफ्ट फुट आउट। इनहेल रेज योर हैंड, एक्सहेल डाउन एंड लुक अप, 1, 2, 3, 4, 5। अब अपने पहले घुटनों को मोड़े और उसके बाद धीरे 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 इस समस्थिति में वापस आए। यहीं से अब दोनों पैरों के बीच शोल्डर लेवल जितना गैप लें। नेक्स्ट वन इज कटी चक्रासना। लंबी गहरी श्वास भरते हुए दोनों हाथों को शोल्डर लेवल जितना लेके आए,
एक्सहेल करते हुए पीछे की तरफ लेके जाएं। दिस इज ट्विस्ट ट्रंक पोस्चर, तो आपके हिप उधर ही रहने चाहिए, सिर्फ और सिर्फ आपकी अपर बॉडी मूवमेंट है। एंड होल्ड दिस पोस्चर, नॉर्मल ब्रीदिंग, 1 2 3 4 5। इनहेल करते हुए वापस आए, एक्सहेल करते हुए पीछे की तरफ जाएं, होल्ड 1 2 3 4 5। यू कैन रिपीट दिस आसना 5 times फ्रॉम ई साइड। ओके, नाउ फ्रॉम हियर वाइड योर लेग एज मच एज यू कैन पॉसिबल। नाउ राइट फुट राइट साइड एंड ट्विस्ट योर बॉडी टू द राइट साइड, स्क्वायर योर हिप्स। नाउ बोथ हैंड्स बिहाइंड टू योर बैक और नमस्कार आसना। इनहेल सेंटर, लंबी गहरी श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ जाएं एंड कोशिश करें आपका जो हेड है वो आपके शिन बोन को टच करे और आपके नोज आपकी नी को टच करे। एंड होल्ड दिस पोस्चर 5 4 3 2 1। बेंड योर नी फर्स्ट, देन स्लोली कम अप, रिलैक्स योर हैंड, राइट फुट इनसाइड, लेफ्ट फुट आउट एंड ट्विस्ट टू द लेफ्ट साइड, square your hips, both hands behind to your back, inhale center, exhale karte hue niche ki taraf aaye and feel the nice stretch on your hamstring, hold this posture, 1 2 3 4 5, bend your knee and relax. Both hands above to your waist, दोनों हाथों को अपने waist पे रखें। आप इसे inhale करते हुए पीछे की तरफ जाएं, elbow inside chest out and twist to the left side, square your hips, both hands behind to your back, inhale center, exhale करते हुए नीचे की तरफ आएं and feel the nice stretch on your hamstring. Hold this posture, 1 2 3 4 5, bend your knee and relax. Both hands above to your waist, दोनों हाथों को अपने waist पे रखें। आप इसे inhale करते हुए पीछे की तरफ जाएं, elbow inside chest out, exhale करते हुए 90 degree bend, chest out, elbow inside, look forward, hold this posture, 5 4 3 2 1. From here hold your big toes, यहां से अपने अंगूठे को पकड़ें and कोहनी को बाहर की तरफ ले जाते हुए हेड को नीचे की तरफ लाएं and crown of the head floor को टच करें and wide your leg as per your capacity, adjust your leg according to your height and hold this posture, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. slowly hand between your both leg, gently look up, hold the chest out, exhale karte hue 90 degree bend, chest out, elbow inside, look forward, hold this posture, 5 4 3 2 1. From here hold your big toes, यहां से अपने अंगूठे को पकड़ें and कोहनी को बाहर की तरफ ले जाते हुए हेड को नीचे की तरफ लाएं and crown of the head floor को टच करें and wide your leg as per your capacity, adjust your leg according to your height and hold this posture, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. slowly hand between your both leg, gently look up, hold.